वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरानी सदर हसन रूहानी से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए ईरान के उसूली मौकफ को सराहा। 27 ईरानी सिपाहियों के कत्ल पर इजहार अफसोस भी किया। भारत अपनी नाकामी छुपाने और सियासी फवायद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान की मौजूदा कार्रवाइयों को पुलवामा वाकये से जोड़ना भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। डॉक्टर फैसल का कहना है, आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में मजालिम से रोके। भारत कश्मीर में आबादी का तवाजुन बिगाड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। आज 40 से जायद अखबारात का पहला सफा खाली। फ्रंट पेज पर खबर छपी ना कोई तस्वीर। फैसला कश्मीर एडिटर गिल्ड और कश्मीर एडिटर फोरम ने किया। भारत ने करतारपुर राहदारी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से बैनुल अक्वामी सरहद तक करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाएगा। 5000 मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। मंसूबे पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आई। नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क में मौजूद हर सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आला पंजाब को हिदायत। उधर नवाज शरीफ के लिए जेल में कार्डियक मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस पहुंचा दी गई। डॉक्टर समेत अमला 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्ट में ड्यूटी पर मामूर रहेगा। पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए 3 रोज़ा दिफाए पाकिस्तान ट्रेन मार्च कैंट स्टेशन कराची से रवाना। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख क्यादत कर रहे हैं। ट्रेन कराची से रहीम यार खान घोटकी सहवन जाएगी। पीटीआई की दुआ भुट्टो जमीला बलोच और सोबिया भी ट्रेन मार्च में शामिल। PSL के तमाम गैर मुल्की स्टार्स पाकिस्तान पहुंच गए। पेशावर जलमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों की कराची आमद। मेहमानों का रवायती बलोची पग पहनाकर शानदार इस्तकबाल। स्टार क्रिकेटर शेन वॉटसन 14 साल बाद पाकिस्तान आकर खुश हैं। सर विवन रिचर्ड्स, डेवन स्मिथ, फवाद अहमद, रेले रोसो, डीजे ब्रावो भी पहुंचे। जावेद आफरीदी का कहना था, पाकिस्तान में PSL होना तारीखी मौका है। जल्द पूरा इवेंट अपनी ग्राउंड में होगा। गवादर में किताब मेला पूरी आबोताब से जारी। आज आखिरी रोज भी इल्म अदब और इलाकाई रस्म व रिवाज समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर सेशन होंगे। किताब मेले में नौजवानों के साथ साथ खवातीन की भी शिरकत। महफिल मौसीकी में मुकामी फनकारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। और मेक्सिको के शहर सालामांका में फायरिंग। 15 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। 3 गाड़ियों में सवार अफराद क्लब में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए।